हाँ जी बताइए, 50th शीट में कौन सा क्वेश्चन है जिसमें डाउट सर, आया? 12th और 13। और 12th और 13 तुमने भी पूछा था, और 12th और 13 आई थिंक आयुष तुमने भी पूछा था ना? नहीं सर, मैंने बताया था कि वो सेम है। ओके हाँ सेम तो है। जी लिमिटेड परचेज्ड ऑन January 1, 17 मशीनरी वर्थ ₹28,000, स्पेंट ₹2,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन ऑन January 1, 18 एडिशन इज मेड टू मशीनरी फॉर ₹15,000 को हमने एक और मशीन खरीदी ऑन 1 जुलाई 19 द सेकेंड हैंड मशीन, एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी। हाँ सर, मुझे बस इसमें इतना सा पॉइंट समझना है कि जब एडिशन हुआ 15,000 का तो हम उसकी कॉस्ट में छोड़ेंगे, तो फिर नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन और बस ये ऊपर के दो मैं लाइन मुझे का मुझे मुझे डेप्रिसिएशन। मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, और फिर हमने 1 जुलाई 2020 को एक और मशीन खरीदी। अच्छा, 1 जुलाई 2020 को जो जुलाई 1 को खरीदी थी वो बेच दी अपन, और 10% हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन लगाते हैं हम 31 दिसंबर को, और हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूंगा मैडम, ठीक है? तो मुझे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कर लेंगे। तो दिस इज द फॉर्मेट आई एम कॉपीइंग फ्रॉम हियर, एंड देन दिस क्वेश्चन इज टू बी डन। इसके अंदर एक मैं करा देता हूँ, इसमें मल्टीपल मशीन से एक से ज्यादा मशीन खरीदी गई है, सो दैट इज ऑल दिस। ये मेरे पास मशीनरी अकाउंट आ जाएगा, ये आ गया। दिस इज द ऑन 1 जनवरी 17, जनवरी से दिसंबर, तो मैं यहां लिख दूंगा 2017। 1 जनवरी को हमने 28 की मशीन खरीदी, 2000 उस पर खर्च किए, तो January 1 यहां पर मैं लिख देता हूँ टू बैंक। अच्छा, दो तीन मशीन खरीदी तो इन मशीनों को नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, या फिर आप Roman 1, 2, 3 दे सकते हैं। मैं यहाँ पे ए बी सी डी देना ज्यादा मुझे ठीक लगता है, इसमें नाम। तो हमने कितने की मशीन खरीदी? 30,000। कब? January 1 को। इस साल और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, इस साल और कुछ ना खरीदा है, ना 2017 में ना बेचा, 18 में खरीदा। तो हम इस पे 10% डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, है ना? एंड दिस 10% डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से। तो हम क्या करेंगे, December 31 को बाय डेप्रिसिएशन, दैट इज 10% ऑफ दिस इज 3,000। December 31 को फिर हम यहाँ पे जब बैलेंस लिखेंगे, अच्छा पूरे साल का लगाएंगे, जनवरी में खरीदी, साल खत्म हो रहा है दिसंबर में, तो पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है? दैट इज 27,000। तो ये आ गया 30,000, और ये टोटल हो गया हमारा 30। तो दिस इज आई हैव क्लोज द अकाउंटिंग ईयर फॉर 2017 का खत्म हो गया। अब हम आ जा रहे हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में 2018, ठीक है? ये जनवरी 1 को बैलेंस उतर के आएगा। सबसे पहली चीज हमें करनी है बैलेंस ड्रॉ डाउन, दैट इज 27,000। ये हमारा बैलेंस आ गया 1 जनवरी 2018। अब हम क्या कर रहे हैं, इस साल 18 में 1 जनवरी को एक और एसेट खरीदी 15,000 की। तो ये हमारी एसेट थी ए, ये डेप्रिसिएशन ए का है, ये बैलेंस भी ए मशीन का। तो इस साल हमने फिर इसी दिन जनवरी 1 को एक और एडिशन, मतलब एक और नया मशीन खरीदी, इसमें जुड़ गई एक और मशीन। ये कितने की है? ये 15,000 की, ये 15,000 की। तो अब 2018 में मेरे पास दो मशीन है, मशीन ए एंड मशीन बी। आई हैव टू मशीन्स इन 2018। तो और तो 18 में कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है, तो जब मैं 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगाऊंगा बाय डेप्रिसिएशन, तो मैं दोनों मशीन का लगाऊंगा। मैं क्या लिखूंगा, इधर अंदर इनर कॉलम में लिखूंगा ए मशीन का डेप्रिसिएशन, और इधर मैं लिखूंगा बी मशीन का डेप्रिसिएशन। ए मशीन पे भी 10% स्ट्रेट लाइन, तो ए मशीन 30,000 की, इसका स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन तो हर साल ₹3,000 होता है, तो इसका डेप्रिसिएशन 3,000। बी मशीन 15,000 की है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सबका सेम है, अलग अलग दिया नहीं है, तो सेम डेप्रिसिएशन इसका 10% से स्ट्रेट लाइन से। तो 10% स्ट्रेट लाइन से जब इसका डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो 15,000 बनता है। ये भी 1 जनवरी खरीदी, तो
पूरा साल का डेप्रिसिएशन 1500 लगेगा। तो ये दोनों मशीन का जो डेप्रिसिएशन है ये लग गया 4500। ये ऐसा तो मैंने डेप्रिसिएशन तो 4500 लगाया है, लेकिन इसको मैं शो करता हूँ अलग अलग सेपरेटली, मुझे ऐसे शो करना चाहिए। फिर दिसंबर 31 को जब मैं बैलेंस लिखूंगा तो बैलेंस में मेरे पास दो मशीन है, मेरे पास यहाँ पे दो मशीन, मशीन ए एंड मशीन बी। ये मेरे पास दो मशीन है, मशीन ए और मशीन बी, मशीन ए और मशीन बी। तो ए मशीन कितने की, 27 की, 3000 डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितने की बच गई वो 24000 की। मशीन बी 15000 की, 1500 डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितने की बच गई 13500। इन दोनों का जो टोटल है वो हमारा आ गया 37500। ये बैलेंस आ गया, तो ये कितना हो गया 42000 टोटल। This is the balance. ये मेरा 2018 का ट्रांजेक्शन अकाउंट बन गया। 2018 में 27 की मशीन पहले से थी, एक और मशीन खरीद ली, उसको हमने बी नाम दे दिया, मशीन बी, और इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन पूरी ईयर का लगाया, तो दोनों मशीन का मिलाकर बैलेंस इतना बन रहा है 37500, जिसमें ए मशीन 24 की है, बी मशीन फिर 13500। अब हम आ जाए 2019। ठीक है, ये मेरा आ गया 2019 में जुलाई मंथ को हमने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी 8500 को, उसके ऊपर 1500 रुपीज तुरंत खर्च किया रिपेयर। अब सेकेंड हैंड मशीन खरीदते हैं और उस पर रिपेयर खर्च, खरीदते समय खर्च किया तो उसकी कॉस्ट में जुड़ जाएगा, ये बाद का रिपेयर नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो जनवरी 1 को हम बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस तुरंत, तो 19 के अंदर सबसे पहले हमारे पास बैलेंस आएगा कितना 37500। अब ये बैलेंस दोनों मशीन का है, ए और बी का है, सिर्फ ए का नहीं, दोनों का। ये मशीन हमारे पास है, फिर हमने जुलाई में एक और मशीन खरीदी, तो इनके बैलेंस अलग अलग नहीं लिखेंगे क्या? इनके मैंने लिखा नहीं, लिख सकते, मैंने इसलिए नहीं लिखा कि मेरे पास वो डिटेल है उधर अलग से दी, मैं चाहूं तो यहाँ पे भी ये सेम एज इट इज जैसे यहाँ लिखा है ना अलग, वो यहाँ भी लिख सकता हूँ, लेकिन अब चूंकि सेम है तो मैंने जानबूझ के नहीं लिखा कि वो मुझे बस मालूम होना चाहिए, तो यहाँ पे डिटेल दी हुई है अलग अलग, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, नहीं तो मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकते, कोई हर्ज नहीं। ये हमारे पास ये चीज है, क्या है 37500। फिर हमने क्या किया, जुलाई 19 को हमने एक और मशीन खरीदी 10000, दैट इज मशीन, इसको मैं बैंक करके मशीन सी नाम दे देता हूँ, ये 10000 की और मशीन थी। अब 19 में और क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, फिर 1 जुलाई 20 को बेचा हमने, ठीक है, अब वो 20 में है, मतलब 19 में और कोई दूसरा ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हम 19 में फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे उसका, ठीक है। और एक काम मैं करता हूँ ना, ये मेरे लिए तीन मशीनें हो गई है हमारे पास, खैर एनीवे I can copy this 6. ये आ गया और यहाँ पर मेरे पास तीन मशीन है, मशीन सी भी आ गई, मशीन सी 1 जुलाई को खरीदी, 10% से 1000 होता है, लेकिन ये 6 महीने यूज की, तो 19 में इस मशीन सी के ऊपर 500 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगा। I won't be charging depreciation for full year on this machine. ये 500 का depreciation लगेगा इसको। तो ये 3 और 2 5000 ये depreciation हो गया इसको। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें एक सी मशीन और लेनी है, तो मुझे ऐसे ठीक रहे।
सी मशीन का बैलेंस, मुझे अब बैलेंस चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, ये बैलेंस यहाँ पर जो ए मशीन है वो 24,000 की है, इसके ऊपर 3,000 डेप्रिसिएशन और लग गया, तो ए मशीन का बैलेंस जो है यहाँ पे 21,000 हो गया। यहाँ पर ये मशीन 13,500 की है, यहाँ से आ गई वो 13,500 की, इसमें 1500 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो ये बी मशीन 12,000 की हो गई। अब सी मशीन जो है वो मेरे पास यहाँ पे 10,000 की, इसमें 500 डेप्रिसिएशन लग गया, तो सी मशीन हो गई मेरे पास 9,500। अब मैं इन सबको ऐड करके इनका बैलेंस लिख दूंगा, तो कितना हो जाएगा ये 32,500। तो ये हो जाएगा 47,500 हो जाएगा। And this same total would be here, 47,500. तो ये हमारा हो गया 19 का। अब हम आ जाएंगे 2020 में। Now we are at 2020. ठीक है। फर्स्ट जुलाई 19 को हमने मशीन खरीदी थी उसको हमने नाम दिया था मशीन सी। तो जो सी मशीन है 19 में खरीदी और 20 में भेज दी हमने, एक ही साल के अंदर अंदर भेज दी उसको, ठीक है कोई बात नहीं। तो अब हमने कब बेची इस मशीन को, कुछ 1 जुलाई 20 को बेच दी, तो नेक्स्ट ईयर बेची थी हमने इसको, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, जब 2020 में आऊंगा तो 2020 में फिर मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन लेकर आऊंगा। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरा 42,500 हो जाएगा, ये आ गया। अब बीच में जुलाई के अंदर हमने बेच, तो जुलाई 1 मतलब 6 महीने बाद, तो जो मशीन सी हम बेच रहे हैं इसको 6 महीने हमने चलाया है, तो यहां पे 6 महीने का पहले आप डेप्रिसिएशन लगाओ उस मशीन। ये मशीन सी है, कितना डेप्रिसिएशन 6 महीने का होता है, स्ट्रेट लाइन से 500 रुपए होता है। तो जो मशीन हम आप बेच रहे हैं सी मशीन, इसकी बुक वैल्यू क्या है, ये सी मशीन यहाँ पे 9,500 की, 9,500 रुपए डेप्रिसिएशन लग गया, तो 9,000 उसकी बुक वैल्यू बची। डेप्रिसिएशन लगने बाद उस एसेट की बुक वैल्यू कितनी है, 9,000। बेची कितने में अपन ने, 8,250। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय जुलाई 1, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैंक 8,250। और इसके अंदर लॉस हो गया अपने को, 9,000 की बुक वैल्यू थी, हमने बेची 8,250, तो बाय लॉस ऑन मशीन दैट इज 750 रुपीज का लॉस हो गया। तो दिस इज हाउ वी विल डू इट। तो ये हमने 9,000। अब इसका देखिए, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो समझने वाली वो ये है कि आप एक चीज बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, यही गलतियां थोड़ी सी बच्चे करते करते समझ आ जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाए। ये जो बैलेंस है ए 42,500, इसमें ए मशीन है 21,000, बी मशीन है 12,000 और एक सी मशीन है 9,500। ये मशीन हम बेच चुके हैं, तो इन सब का टोटल 9,500 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं कोई अकाउंट बनाता हूं, अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए है, यहां पे मैंने 2,000 रुपए लिख दिए, तो इस अकाउंट से 2,000 रुपए कम हो गए, अब बैलेंस 8,000 का ही बचेगा।
तो यहाँ पे इस बैलेंस में 9250 है, जब मैं यहाँ पे 9500 लिख दूंगा तो इसमें से 9500 कम हो जाएगा, मतलब मैंने 42500 में 9500 कम कर दिया। दैट इज व्हाट द इंपैक्ट इज, मैंने कम कर दिया। तो अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास सिर्फ ये दोनों बच रहे हैं, मेरे पास सिर्फ दो एसेट बच रही, ए और बी। तो जब दिसंबर 31 जब मेरे डेप्रिसिएशन लगाने का टाइम आएगा तो मेरे पास तो मशीन ए और बी बची है, तो मैं डेप्रिसिएशन सिर्फ ए और बी पे लगाऊंगा, मशीन ए और मशीन बी। तो ये मुझे स्पेस चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। अब दिस इज मशीन ए एंड मशीन बी, इनके ऊपर ए मशीन का डेप्रिसिएशन तो पूरे साल का लगेगा, बी पे भी पूरे साल का लगेगा। तो ए मशीन का बैलेंस जो है वो 3000 रुपए, डेप्रिसिएशन 3000 है, बी मशीन का डेप्रिसिएशन 1500। ये दोनों डेप्रिसिएशन मिलाकर हो गया 4500। दिस इज द डेप्रिसिएशन फॉर दिस, ये लग गया। अब 9500 तो माइनस हो चुका है, 21000 में 3000 डेप्रिसिएशन लगाया, तो जब मैं बैलेंस यहां लिखूंगा, बैलेंस के लिए तो मैं ए मशीन और बी मशीन का बैलेंस लिखूंगा, ए मशीन और बी। ए मशीन कितने की, ए मशीन थी 21000 की, 21000 में 3000 लग गया तो मेरे पास 18000 का बैलेंस। बी मशीन कितने की है, 12000 की, उसमें 1500 का डेप्रिसिएशन लग गया तो 10500 बचे। ये टोटल कितना हो गया, 28500 ये बैलेंस है। तो ये जो है हमारा, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, इस ढंग से ये हमारा अकाउंट कंप्लीट होगा, ठीक है। दिस इज हाउ दिस, ये 28500। तो मेन चीज आपको क्या समझनी है कि जब आप एसेट बेचते हैं तो उतना अमाउंट जो बैलेंस यहाँ पे है, उतना अमाउंट आप यहाँ माइनस करके एसेट को गायब ही कर देना है अकाउंट से। आपको ये चेक करने के लिए बहुत अच्छा है कि ये इन सब का जो टोटल होगा, डेप्रिसिएशन का, बैंक का, लॉस का, इन सब का टोटल इस बैलेंस के बराबर आना चाहिए। यहाँ बैलेंस कितना था, 9500, तो ये 9500 यहाँ पे आना चाहिए, तभी जाके वो एसेट माइनस होगी। और अगर गेन हो रहा है, बेचने पे आपको गेन हो रहा है, तो यहाँ पे आप ज्यादा अमाउंट लिखोगे, बेचोगे ज्यादा में। सपोज मैंने 9500 में बेचा, 500, तो 500 का गेन आप यहाँ लिख दोगे, तो आपने यहाँ पे 500 रुपए ज्यादा लिखा तो यहाँ पे उसको एडजस्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली जो एसेट का बैलेंस इसमें जितना इंक्लूडेड है उतना आपको इसमें से माइनस कर देना, और जो बाकी बची हुई एसेट है उनमें आप डेप्रिसिएशन लगाओगे और उनका बैलेंस निकालोगे। तो मल्टीपल अगर एसेट्स हैं तो आप, अब मैंने यहाँ पे जैसे तीन ही एसेट लिए, ए बी सी मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन अगर इससे ज्यादा भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, बस ऐसे ही करते जाना है आप, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, आपको करना ऐसे ही है उस चीज को। So this is 42,500. तो ये टोटल भी हमारा 42,500 आया है। वैसे एसेट अकाउंट है तो इसका एक कायदा और भी है कि आपको अल्टीमेटली यहां पर बैलेंस उतार कर रखना चाहिए 2021, कब, जनवरी 1। यहाँ पे आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन, 28,500 का जो बैलेंस है आप यहाँ पर उसको उतार देंगे। दिस इज हाउ यू डू दिस, ऐसे आप उन चीजों को करते हैं। ये बैलेंस बस हम नोट डाउन करके रख देते हैं, वी डोंट डू एनीथिंग मच अबाउट इट, ठीक है। यस सर, तो ये क्वेश्चन हमारा 12th वाला ऐसे होना था, और जो मुझे बताया आप लोगों ने कि 13th क्वेश्चन भी सेम आ गया, तो ये क्वेश्चन उड़ गया, गायब हो गया। तो ये ऐसे करना,
ये शीट किस किस की कंप्लीट हो गई है 50th शीट, इसके बाद तो मैंने कोई शीट भेजी नहीं है आप लोगों को। सर मेरा बस ये लास्ट क्वेश्चन बचा था, अब आपने एक्सप्लेन कर दिया तो मैं कर दूंगी वो वाला भी, बाकी हो गई। अच्छा और अभी बाकी लोगों के बचा हुआ है ना? मैंने सेंड किए थे सर आपको, तुमने भेज दिया, ठीक है सर। सॉल्यूशन हो गए क्या? सॉल्यूशन सभी नहीं है, सॉल्यूशन सभी नहीं है, बहुत सारे सॉल्यूशन बनाने हैं। तो मुझे कोई एक क्वेश्चन आप एक्सप्लेन कर दीजिए ना। कौन सा क्वेश्चन? सो वो जो मैंने आपको बोला था फेवरेबल बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विल बी लेस देन द बैलेंस एज पर पासबुक ड्यू टू अनप्रेजेंटेड चेक्स, ट्रू और फॉल्स? एक सेकंड, शीट नंबर 49 का 13th क्वेश्चन। ओके एक सेकंड बता देता हूँ क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा तुम्हारा। तुमने पूछा था मुझे, ऐसा याद तो आ रहा है, लेकिन वो एग्जैक्ट वर्डिंग भेजो मेरे को क्वेश्चन की, ठीक है? तुमने भेजी भी थी उसको एक बार दोबारा सेंड कर दो, तब तक मैं इसका डाउट देखता हूँ। शीट नंबर 49 का 13th क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पूछो लास्ट वाला। ये अब बिजनेस सोल्ड इट मशीनरी आफ्टर 5 years एट अ प्राइस ऑफ 15,000 ने 5 साल के बाद मशीन बेच दी और 27,147 रुपए का लॉस हुआ ऑन सेल, 10% से डेप्रिसिएशन लगाते हैं, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन? अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर, बैलेंस बुक वैल्यू सेकेंड ईयर आ गई, फिर डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर, फिर बुक वैल्यू थर्ड ईयर आ गई, डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर, बुक वैल्यू फोर्थ ईयर आ गई, डेप्रिसिएशन फोर्थ ईयर, बुक वैल्यू फिफ्थ ईयर आ गई, डेप्रिसिएशन फिफ्थ ईयर, फिर ये 5 साल के बाद मतलब 6th ईयर का बैलेंस आ गया आपके पास। बुक वैल्यू 6th ईयर आ गया, यस सर। वैसे इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट बुक वैल्यू से करेंगे तब भी आ जाएगा ना आंसर। तो बुक वैल्यू तो चाहिए ना आपको? नहीं मतलब डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है ना इसमें निकालने की? नहीं ठीक है, मैंने डेप्रिसिएशन स्टेप स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, WDVs से अलग अलग निकालेंगे तब हमको बुक वैल्यू आएगी, तो बुक वैल्यू हम निकालेंगे कैसे डायरेक्टली, उसके लिए तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर जयेश एक सेकेंड, हम दूसरे और मेथड भी देखेंगे। यहाँ पर अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100 मान लूं, मैंने बताया था फैक्टर निकाल रहे हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं हमारा सारा काम हो जाएगा। तो अगर हमने 10 रुपीज यहाँ डेप्रिसिएशन घटाया तो सेकेंड ईयर बुक वैल्यू 90 होगी, तो 9 रुपीज डेप्रिसिएशन घटाया तो बुक वैल्यू 80 होगी, 8.1 घटाया 10%, 10% ही तो है ना, तो 8.1, तो ये 72.9 हो गया। फिर हमने 7.29 घटाया इसमें से, ठीक है 72.9 में से 7.29 घटाया, तो फिफ्थ ईयर हमारी वैल्यू कितनी आएगी, ये 90, ये आ रहा है 72.90 में से 7.29 घटा रहे, तो 1 एंड दिस इज 8, दिस इज 6, 65.61, तो ये आ गया 65.6। फिर हम इसमें 10% घटाएंगे, दैट इज 6.56, तो इसमें मैं 6.56 घटा रहा हूं, ठीक है, तो ये हमारा जीरो गया 59.05। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एसेट की कॉस्ट प्राइस 100 रुपए मान लें तो 5 साल के बाद उसकी कीमत 59.05 बचेगी। यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है कि हमने जब 150,000 में बेचा तो हमको 27,147 का लॉस हो रहा है। इसका मतलब जब हमने बेचा उस समय एसेट की बुक वैल्यू क्या है, 177147,
तो 177147 इज 59.05% 59.05 इनटू 100 यू विल गेट द कॉस्ट प्राइस। तो 177147 को 59.05 मान तो 100 क्या होगी, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी आपकी। और दूसरा एक तरीका मैंने आपको बताया था, वो भी तरीका है, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, आप स्टेप वाइज चलते रहो 90-90 मानते हुए। यहाँ पे इसकी वैल्यू है 177147, ये वैल्यू इस वैल्यू की 90% है। तो इसको 90 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर ये वैल्यू जो है फर्स्ट अप्रैल फिफ्थ ईयर के बिगनिंग में इसकी 90% है, तो ये जो वैल्यू आएगी इसको 90 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो और ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको 90 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी, इसको 90 से डिवाइड करके 100 से तो ये आ जाएगी, इसको 90 से डिवाइड करके 100 से करोगे ये आ जाएगी आपके पास। ऐसे रिवर्स प्रोसेस से भी कर सकते, बाकी एक फैक्टर निकाल लो 100 को, उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है, अदरवाइज आप हर स्टेप पे कैलकुलेशन करते हुए भी जा सकते हैं, दोनों ढंग से निकाल सकते हैं। ओके सर। एनी अदर डाउट इन डेप्रिसिएशन? नो सर। ठीक है, हाँ बोलो। शीट 50 बोलो क्या? शीट 50 में एक छोटा सा डाउट और, ये शीट 50 में क्या डाउट है दूसरा? सर 11th क्वेश्चन। हाँ सर, इसमें हमने जब मशीनरी बेची है 33,000 की, 1,000 डिसमेंटलिंग के लिए दिए हैं, तो हम 39,000 में बेचने नहीं, नहीं, 37 में बेचेंगे। हम जो बैंक अमाउंट लिखेंगे डायरेक्टली 37 लिखेंगे। ऐसे 37 क्यों लिखेंगे? 38 में बेची और 1,000 रुपए खर्चा लग गया, तो हमारी जेब में कितना आया? 37 आया। ओके सर, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम कोई एसेट बेचते हैं तो उसपे जो खर्चा लगता है वो हम नेट जो प्राइस मिलती है उसी में से माइनस कर देते हैं। ओके सर। हाँ, अब और तुम्हारा क्या दूसरा डाउट था, उसका क्या पूछे तुम क्वेश्चन बोलो, मैं इस पे लिखता हूँ। हाँ सर, वो मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया। Favorable bank balance as per cash book will be less than the balance as per passbook. So, मुझे लग रहा है इसका false होना, इसका true होना चाहिए, but इन्होंने false लिखा। Favorable balance का मतलब क्या होता है? Cash book का debit balance है कि credit balance? Debit balance। तो ये मेरी cash book है। Cash book के अंदर मेरे 1,00,000 के deposits हैं और 55,000 के withdrawals, तो ये मेरा balance आ गया 45,000, ठीक है? यहाँ तक clear? Yes sir। अब ये balance मैंने उतार के यहाँ लिख रहा 45,000, ये favorable balance। मैंने क्या किया? Unpresented check का मतलब check deposit किया है कि check issue किया है? Check issue किया है। मैंने 10,000 के check issue किया, तो मैं cash book में लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? लिखेंगे। या यार अच्छा। हाँ तो यार राइट, यार राइट, यार राइट, बाय क्रेडिटर। तो इससे मेरा कैशबुक का बैलेंस 35,000 है, तो ये बैलेंस लेस हो जाएगा। हाँ सर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए ना, क्योंकि बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक। अच्छा, ये पासबुक नहीं है, कैशबुक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यार राइट, बैलेंस लेस, ये ट्रू होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, यार राइट।
सही है। यस मैं इसको कर दूंगा। और कोई चीज? नो सर। एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेश्चंस? अच्छा हाँ हाँ, तो अभी मेरे को आपको जो नेक्स्ट शीट एक भेजनी है, I have to send you the next sheet. अच्छा ये क्वेश्चन इसके अंदर आ ही गया है, ये क्वेश्चन भी मैंने नेक्स्ट शीट में डाला था तो रिपीट हो रहा है। ओके तो आई हैव टू सेंड यू द नेक्स्ट शीट। नेक्स्ट शीट हम मुझे उसके अंदर प्रोविजन मेथड बताना है, दैट इज द लास्ट टॉपिक इन दिस, तो प्रोविजन मेथड मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा कल से। कल से क्या आप लोग शीट्स खत्म कर दें जो लोग ये कर रहे हैं, ओनली शीट 51। इज दैट ओके? अनवी एंड ईशा एंड जयेश आप लोग शुरू से हैं, खत्म कर सर अपनी एग्जाम चल रही है तो